लो जी, आ गए हैं हम एक और नई रेसिपी लेके। तो चलिए बनाना शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, साथ में सरसों का ऑयल ऐड किया है और इसमें एक कटोरी मूंगफली के दाने ऐड किए हैं और इनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इसी तरह से लगातार फ्राई करते रहेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा मैंने 3-4 करी पत्ता डाल दिए हैं, 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है और साथ में जो लाई होते हैं ना उसको ऐड कर दिया। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया है मैंने, और इसमें चाट मसाला ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। और इन सभी चीज़ों को हमने कर लिया है बढ़िया से मिक्स। साथ में हरी मिर्च कटी हुई डाल दी है और जो मार्केट में सेव वाली आती है नमकीन, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। फिर यहाँ ये मूंग दाल के पापड़ थे जिसे गैस पे मैंने सेक लिया है और अच्छे से चूरा चूरा कर लिया है इसको, और इसको भी इसी में हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको भी फिर से हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी सा हल्की फुल्की भूख के लिए बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता है। तो इसमें अब हम और भी अच्छा टेस्ट लाने के लिए इसमें ऐड किया है मैगी मसाला। मैगी मसाला ऐड करके तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो गया है। इसमें हरा धनिया ऐड किया है। हरा धनिया ऐड करने के बाद अब इसको थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, तो इसमें हमने ऐड कर दिया है नींबू। नींबू ऐड करने के बाद इन सभी चीज़ों को हमने कर लिया है मिक्स। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो अब यहाँ कर दिए गैस बंद। उसके बाद इसको हम एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे और इसको चाय के साथ या फिर ऐसे ही आप खा सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप हमारी इस वीडियो में। कमेंट करिए अच्छे अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।